ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए बगल आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आज आपको ग्रहण काल में श्री सूक्त का पाठ करना है। आज आपको अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। रात्रि में ग्रहण काल के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में पास में जो भी माता का मंदिर हो वहां आज आपको दर्शन अवश्य करने हैं। कमल का पुष्प माता रानी को अर्पण करना है और माता रानी को आज चुनरी भी आपको अवश्य चढ़ानी है। बात करते हैं हमारे जो वृश्चिक राशि वाले जो दर्शक हैं, चूंकि आपकी राशि का जो स्वामी है चंद्रमा वो नीच का होता है और आज ग्रहण योग भी है, तो हमारे जो दर्शक और दोस्त लोग जो कि वृश्चिक राशि के हैं उन्हें भी आज थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको ग्रहण काल के समय में घर से बाहर नहीं निकलना है। ऑफिस में भी यदि आप काम कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा ग्रहण काल के पश्चात में आज ओवरटाइम कर लीजिएगा, ग्रहण काल के पश्चात में ही ऑफिस से निकलिएगा, क्योंकि वातावरण की जो नेगेटिविटी है उसका इम्पैक्ट ग्रहण काल का जो वातावरण का जो समय एटमॉस्फेयर का जो टाइम है वो नेगेटिविटी आपके ऊपर असर डाल सकती है। ग्रहण काल खत्म होने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, फिर हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कीजिएगा, भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन कीजिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पे चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको ग्रहण काल में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। ग्रहण काल के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में विष्णु मंदिर में या राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने हैं, गौ माता को गुड़ खिलाना है। पंडित जी, आगे की राशि की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, अर्चना जी हैं दौसा से, अपनी पुत्री इशिता के लिए जानना चाहती हैं। इशिता की जन्म की तारीख है 20/11/2002 और जन्म का समय है रात्रि का 12:05 का। पंडित जी, 20 तारीख की सुबह है। अर्चना जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। मैं दोनों बेटियों के बारे में आपसे ही पूछती हूँ पंडित जी, बताइए जो मन की तसल्ली रहती है, ये बेटी मेरी बिल्कुल नहीं पढ़ रही है, बहुत चिंता करती है दोनों बेटियों के बारे में। बेटा अर्चना, हमने आपको पहले भी समझाया, आपकी इस बच्ची के एजुकेशन हाउस का मालिक गुरु उच्च का है, इतना पढ़ेगी कि आपके 7 पीढ़ियों में कोई नहीं पढ़ा होगा जितना ये बच्ची पढ़ेगी। एजुकेशन, पढ़ाई के घर का स्वामी गुरु उच्च का, शुक्र स्वग्रही होके सूर्य बुध बुद्ध आदित्य योग। अब समस्या क्या है, ये बच्ची जो है मंगल की मादशा राहु के अंतर में से निकल रही है, एक खराब समय, राहु मतलब काल सर्प दोष है इस बच्ची के, जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसके सर्प दोष की पूजा उज्जैन में जाके करवा दीजिएगा। तो मंगल की मादशा राहु का अंतर, राहु मतलब सर्प टेढ़ा चलता है, तो प्रयासों के बावजूद भी इसको सफलता नहीं मिलना, पढ़ाई में उच्चाटन होना, मन नहीं लगना, ये जो समय है वो अक्टूबर 2018 तक रहेगा, उसके पश्चात में पढ़ाई के अंदर इस बच्ची का मन भी लगेगा और बहुत अच्छी एजुकेशन भी रहेगी। सिर्फ आप एक बार इसके सर्प दोष की पूजा करवा दीजिए और ये बच्ची निश्चित तौर पे आपके परिवार का नाम रोशन करेगी, इसमें कोई दोराय नहीं। मेरा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ हमेशा बना रहेगा। तो चलिए दर्शकों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि मकर कुंभ मीन राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं, चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज ग्रहण काल में आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, काले तिलों का दान करना चाहिए और ग्रहण काल के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर शनि मंदिर में दर्शन अवश्य करें, शनि देव को तेल अर्पण करें, जरूरतमंद को आज कंबल का दान अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ग्रहण काल में शनि मंत्रों का जाप कीजिएगा, ओम शम शनि चिराय नमः। काली उड़द का दान कीजिएगा, ग्रहण काल के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान कीजिएगा
और आज जरूरतमंदों को चप्पलों का दान कीजिएगा और किसी छोटी कन्या को भोजन अवश्य कराइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ग्रहण काल में भगवान विष्णु की विष्णु मंत्रों से आराधना कीजिएगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। गरीबों को केले बांटिएगा और ग्रहण काल के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में विष्णु मंदिर में या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन कीजिएगा। और विशेष तौर पर आज अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा और ग्रहण के पश्चात अपने हाथों से उनको कुछ मीठा अवश्य खिलाइएगा। पंडित जी, ग्रहण खत्म होने के बाद क्या कुछ करना है वो आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्रहण खत्म होने के बाद हमें क्या करना है। तो आज शाम को 8:41 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा। ग्रहण खत्म होने के पश्चात तुरंत प्रभाव से आज आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करने हैं। घर की साफ सफाई तो करनी है, मंदिर की साफ सफाई शुद्धता करनी है। अपने पितरों को याद कीजिएगा, उनके निमित्त शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई धार्मिक स्थल या मंदिर है तो ग्रहण खत्म होने के पश्चात में वह दर्शन अवश्य कीजिएगा। और अगर आसपास में कोई शिव मंदिर है तो वहां जाकर शिव जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। ग्रहण काल खत्म होने के पश्चात में देवी देवताओं को जो घर में मंदिर में आपने बैठा रखा है, गंगा जल छिड़क कर उनको शुद्ध करना चाहिए। ध्यान रखिए, ग्रहण काल में तुलसी के पौधे को छूते नहीं है और ग्रहण खत्म होने के पश्चात पौधे के ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसको भी शुद्ध करते हैं। घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगाइएगा और धूप बत्ती अवश्य कीजिएगा। उस धूप बत्ती करने से सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी और जितना खुला हुआ सामान है वो काम में मत लीजिएगा। ना स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में रसोई में जाकर शुद्धता से आप फ्रेश खाना बनाइएगा, भगवान को भोग लगाइएगा, उसके बाद में उस प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम आज आप सभी को काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो आप भी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।